हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है। मैं अभी बलवीर भाई से मुगदल, नया मुगदल बना लिया मैंने, 20+ है ये। और अपना जो देसी मुगदल है उससे अपने को बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। और अपन ये जो अपन जो अपन बाहर से मंगा के अपन अपने कर लेना ही सही रहता है। ये ऑनलाइन पे जो मिलता है अभी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में, उसमें इसमें बहुत बहुत फ़र्क रहता है। उसमें बहुत सारे बोलते रहते कि ये वेट है वो वेट है बोल के देते, लेकिन ना आने के बाद पूरा अलग ही रहता फ़र्क। वो ऑनलाइन का बहुत फ्रॉड चल रहा है आजकल, लेकिन अपन यहाँ मार्केट में जाके बूट खरीद के बनाए तो अच्छा रहता। ऑनलाइन पर नको खरीदो आप, और ऑनलाइन पर पूरा फ्रॉड ही चल रहे। वो पूरे स्टील में आयरन में बेच रहे लोग, सारे वेस्ट चीज़ आए हैं। वो जितना हो सके आप अच्छा बना लेके उसको बना लो आप। क्वालिटी है अपन बनाए तो अच्छा रहता हो। ऑनलाइन पर जो देते सब उतना खास नहीं रहता हो। आपको ज़्यादा दिन में नहीं आता ऑनलाइन के लिए सब, मतलब पूरे आयरन के भेज रहे, वुड के नहीं रहते वो, पूरे आयरन के रहते। और आयरन के नहीं लेना कभी भी, हमेशा वुड का मुगदल ही अच्छा रहता, आयरन का अच्छा नहीं रहता अपने को। बाहर भी तो लकड़ी के क्वालिटी मिल रही है, वो क्वालिटी और अपना क्वालिटी में कैसा? वो क्वालिटी अलग है, खाली बेचने के वास्ते वो नीम का बबुल का बोल के बेस से लेकर शीशम का बोल रहे हैं। हाँ, शीशम का, शीशम कई सारे सेट्स में बैंड है। हाँ वही, वो खाली बेचने के लिए, उनका बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ बोल के बेच दे रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना खोलियो। आपको कभी भी अगर मुगदल लेने का है, देसी गधा लेने का है, तो आप सीधा बलवीर भाई से बात कर लो, और जो वेट होना वेट मंगा लो, रीजनेबल रेट में मिल जाता अब मंगा लो। आपको आपको या सही रहता हो। मार्केट रेट से तुम्हारे को ये कम में मिला या ज़्यादा मिला? मार्केट रेट से कम में मिल गया अपने को, 50% कम मिला, 75% कम मिला, 60% कम है मार्केट रेट से अपने रेट को। मार्केट में बहुत महंगा बेच रहे, वो भी क्या पूरा पॉलिश रहता और सही नहीं रहता वो वेट। बोलते ये वेट दे रहे, वो वेट दे रहे बोलते, लेकिन घर पर आने का देखा तो अलग ही रहता पूरा, फिर रिप्लेस भी नहीं करते उसको। मुदगर के बारे में तुम्हारे को कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है? मुदगर जब से तुम अभ्यास कर रहे हो, तुम्हारे कुछ पहले कुछ प्रॉब्लम्स है क्या? हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले मेरे को पूरा हेल्थ इश्यूज थे। क्या क्या थे? फिटनेस लेवल भी तो ज़्यादा नहीं था मेरे को, वही हेल्थ इश्यूज बोलते, वही डाइजेशन का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था मेरे को। लेकिन अब मेरे को जब से मैं स्टार्ट करा, मेरे को स्लोली स्लोली कम हो गया, लेकिन ऑटोमेटिक कम हो गया मेरे को भी एक्सरसाइज करते करते, और फिटनेस लेवल भी अच्छा ही बढ़ गया मेरे को, फिटनेस और स्ट्रेंथ। अभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है? ज़्यादा नहीं है अभी, 90% कम है, थोड़ा है, चलते रहता वो। ये खाने में डेली लाइफ स्टाइल का एनर्जी, वही डेली लाइफ स्टाइल का एनर्जी तो बढ़ गया अभी। पहले उतना काम नहीं कर सकता था मैं, लेकिन अभी अच्छा ही काम कर ले सकूँ मैं। मुदगर के ऊपर तुम्हारे को इंटरेस्ट कैसा है? कैसा है बोले तो, मैं ऑलरेडी अखाड़ा में एक्सरसाइज कर चुका हूँ मैं, 6 मंथ्स तक अखाड़ा में एक्सरसाइज कर लिया मैंने। तो वहाँ पे सिखाते थे पूरा, ये गधा से गधा मुगदल कैसा करना है, गधा कैसा करना, वो रॉड को पकड़ के कैसा रस्से से कैसा चढ़ना, सब सिखाते थे। तो वैसे सीखते सीखते मुगदल लेना चाह रहा था, लेकिन नहीं मिला मेरे को। जब मैं बलवीर भाई का वीडियो देख के स्टार्ट करा, जब से मैं मुगदल लेना स्टार्ट कर लिया। अभी जिम वर्कआउट भी करे तुम? जिम वर्कआउट भी करा। वो वर्कआउट में और अपने अभ्यास में, देशी अभ्यास में तुम्हारे कुछ फर्क दिखा? क्या फर्क है दोनों जिम वर्कआउट में? क्या होता, सिर्फ करने तक ही अच्छा रहता हूँ। अब जब तक 1 घंटा 2 घंटा करते रहेंगे भाई, बॉडी फुलते रहती और अच्छे सही है बोल के लगता, लेकिन आपको उतना फिटनेस लेवल और स्ट्रेंथ नहीं आता। अब एक थोड़ा ज़्यादा वर्क कर लिया, आपका जॉब का वर्क ज़्यादा कर लिया, वो तो थक जाते अपन, लेकिन मुगदल से ऐसा नहीं रहता। अपना देसी एक्सरसाइज में क्या बोले तो, अब अगर सही एक्सरसाइज कर लिया तो अभी पूरा दिन भर अभी भागे तो भी आपको थकान महसूस नहीं होती आपको, अब जैसे को वैसे फिट ही रहते आप। इससे और भी अपने लोगों को, अपने ग्रुप मेंबर्स और दूसरों को भी हेल्थ बेनिफिट्स हुए क्या? बहुत जनों को हुए, मैसेज तो करता मेरे को, भैया मेरे को ऐसा वेट नहीं उठा सकते थे, अभी उठा सक रहा वेट में। और मैं ग्रुप में भी बहुत जनों को सिखा रहा मैं कैसा उठाना बोल के, तीन की पहले वेट बड़े बड़े वेटा उठाते थे, अब नहीं उठ रहे वेट बोल के बोलते थे, लेकिन उनको भी सिखाया मैंने कैसा करना क्या है बोल के, अभी आराम से कर ले रहे उन लोग, अभी 2 हाथ से भी कर ले रहे, 1 हाथ से भी आराम होगा। डाइट प्लान क्या क्या लेते तुम? कुछ सप्लीमेंट, स्टेरॉइड जैसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, डाइट कुछ भी नहीं है, नेचुरल डाइट ले लो, प्रोटीन्स ये सब नेचुरल ले लो, फूड सप्लीमेंट्स के पीछे नको गिरो, ये वे प्रोटीन स्टेरॉइड्स ऐसा वेस्ट है नको लियो, जो भी है अपना नेचुरल डाइट, अपने घर का खाना जो भी है वही खा लो, आपको वही बहुत हो जाता है।